रवि एक उभरता हुआ न्यूज रिपोर्टर है और अपने काम में धीरे धीरे प्रवीण होता जा रहा है। उसका काम सच्चाई को सामने लाना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यानी वो अभी से अपनी जान से ज्यादा सच्चाई को महत्व देना चाहता था। वो अक्सर रात में अपने काम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए ईमेल चेक किया करता था। ऐसे में एक रात एक केस के सिलसिले में अपना ईमेल चेक कर रहा था कि तभी उसे एक अनजान नाम से एक ईमेल आया जिस पर अर्जेंट लिखा हुआ था। रवि ने सोचा पता नहीं कौन है और ईमेल को इग्नोर कर अपने काम पर लग गया। करीब एक घंटे बाद उसके ईमेल का फिर से नोटिफिकेशन आया। उसने देखा फिर से बिना किसी नाम वाले का था। इस बार भी ईमेल के सब्जेक्ट वाले कॉलम में अर्जेंट लिखा था। पहले तो रवि के दिमाग में ख्याल आया कि इसे न देखे, पर पता नहीं क्यों शायद उत्सुकतावश उसने ईमेल को ओपन किया। ईमेल में लिखा था, इस ईमेल को खोलकर पढ़ने का धन्यवाद। मुझे पता है आपका हर समय कीमती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे पता चला है कि आप सत्य की तलाश में हैं और एक सत्य आपका इंतजार कर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर रांची पतरातु मार्ग पर एक गांव है, पिठोरिया। इसी गांव में 100 कमरों वाला एक किला है जो आपका इंतजार कर रहा है। अपने अंदर दफन राज को बाहर निकालने को बेताब है। बस कोई हो जो उस राज को जान सके। आज से 2 दिन बाद ठीक 16 अप्रैल को वो एक राज बताएगा। समय पर पहुँचे, धन्यवाद। ईमेल को पढ़कर रवि का दिमाग ही घूम गया। उसने तुरंत गूगल पर सर्च किया तो उसे वाकई एक किले के बारे में पता चला, पर ऐसा कुछ खास नहीं जो उस किले के बारे में कोई राज बताए, सिवाय एक बात को छोड़ के, किले की चीख। रात से सुबह हो गई। सोचते सोचते आखिरकार उसने पिठोरिया गांव जाने का फैसला ले लिया। सुबह होते ही रवि ने एक फ्लाइट दिल्ली से रांची के लिए पकड़ ली। इस दौरान रवि उत्साहित और शंकित दोनों था। हालांकि कुछ ही घंटों में रांची के हवाई अड्डे पर खड़ा होकर टैक्सी का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में एक टैक्सी सामने आकर रुकी। उसमें बैठकर करीब आधे घंटे में पिठोरिया गांव पहुंचा। दोपहर के 1 बज रहे थे। पिठोरिया गांव में आए रवि को 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि तभी उसे और कई लोग, मतलब 3 लोग गांव में आते हुए दिखे। रवि ने अंदाजा लगाया कि ये भी पर्यटक ही हैं। वो भी उनके पीछे पीछे गांव में दाखिल हो गया। छोटा सा गांव था इसलिए गांव वालों ने ही सभी का स्वागत किया, सभी के रुकने की व्यवस्था कर दी। कल की रात किले के अंदर का कोई राज उन्हें पता चलने वाला था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि उन सभी को भी ऐसे ही ईमेल के द्वारा बुलाया गया है। और ये पूछताछ करने में पता चला कि गांव में ऐसा कोई नहीं है जिसको ईमेल का ज्ञान हो। इस गांव की सबसे अजीबोगरीब खासियत, रात के 8 बजते ही अपने आप ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, चाहे दिन में कितनी भी गर्मी हो। रवि को गांव तो ठीक लग रहा था, पर जिस तरह से लोग किले के चीखने का राज नहीं खोल रहे थे उसे अजीब लगने लगा। जैसे तैसे रवि ने कोशिश की मुखिया जी के घर के छत पर सोने की, पर रवि को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी। करवटे बदल ही रहा था कि तभी उसके कान में हवा के साथ एक आवाज गूंजी, चले जाओ अभी भी वक्त है, चले जाओ। रवि हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने इधर उधर देखा पर उसे कोई नजर नहीं आया। वहम समझकर जैसे ही लेटा वैसे ही फिर एक आवाज उसके कान में गूंजी, मौत को दावत मत दो, चले जाओ। रवि को अब यकीन हो गया कि कोई तो है, कोई साया या कोई परछाई या कोई आत्मा या कुछ और, वो जो भी है वो शुभचिंतक भी हो सकता है या फिर दुश्मन भी। रवि पूरी रात सो नहीं पाया, किसी अनिष्ट की शंका ने उसे सोने नहीं दिया। सुबह प्रधान जब रवि को उठाने गया तब रवि को उठा हुआ पाया। कुछ ही देर में चारों किले की तरफ जाने को तैयार हो गए। उनके साथ प्रधान, कुछ गांव वाले भी तैयार हो गए। साथ चलने को सुबह 10 बजे 8-9 लोगों का दल किले की तरफ चल दिया। करीब आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा समय में वे खंडर बन चुके किले के सामने खड़े थे। किले के बगल में एक बड़ा सा तालाब दिख रहा था जो किले की तरह 200 वर्ष पुराना हो गया था। किला कई जगह से जर्जर हो गया था, इसमें देखने के लायक कुछ भी नहीं बचा था सिवाय कुछ नकाशी के जो मुगल स्थापित कला का वर्णन दे रही थी। और रवि और अन्य 3 पर्यटक 100 कमरे वाले इस किले को बड़े ध्यान से सतर्कता पूर्वक देख रहे थे। किले के खंडर होने की वजह से किले के अंदर कुछ नहीं था, कोई वस्तु, कोई शिल्प, कुछ भी नहीं, सिर्फ टूटी दीवारें थी। पर रवि को लग रहा था कि इस किले में कोई बात तो है जो दिख नहीं रही। रवि धीरे धीरे एक कमरे से दूसरे कमरे की तरफ जा रहा था तभी उसके कान में एक आवाज आई, संभल कर। इससे पहले कि रवि कुछ समझ पाता, धम, कोई चीज उसके सिर से तेजी से टकराई और कुछ देर बाद और कुछ देख पाने से पहले ही वो बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद रवि को होश आया। आधी खुली नजरों से देखा तो खुद को एक तहखाने जैसी जगह पर पाया। अगल बगल सभी साथी भी बंधे थे। तभी कहीं से किसी के चीखने की आवाज आई।
उस आवाज के बाद मुखिया और बाकी गांव वाले उनके सामने आ गए और मुखिया ने चारों को एक खास कमरे में ले जाने का आदेश दिया। उस कमरे के अंदर चारों को तैयार किया जा रहा था, तभी रवि ने हिम्मत करके पूछा, ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो ऐसा? मुझे तुमसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है रवि बाबू, ये किला राजा जगतपाल का था जिसने अंग्रेजों का साथ दिया और अपने देश को धोखा दिया। तभी क्रांतिकारी विश्वनाथ शाहदेव ने ये श्राप दिया कि किला नष्ट हो जाएगा और तू इस किले में कैद रहेगा। इस किले पर तब तक बिजली गिरती रहेगी जब तक कि ये किला नष्ट नहीं हो जाता। तब से इस किले पर हर वर्ष बिजली गिरती है और किले का कुछ हिस्सा टूट जाता है। इसे रोकने का एक ही तरीका है, बलि। तुम लोगों की बलि देकर विश्वनाथ की आत्मा को शांति देना ताकि वो वज्रपात करना बंद कर दे। ये चीख उसी की है जो हर वर्ष सिर्फ एक दिन चीखता है और उसी दिन उसकी दूसरी चीख पर वज्रपात होता है। हमारे गांव के पुजारी ने अपने ज्ञान से ऐसे लोगों को खोजा जो पूर्वजन्म लेकर आए हैं और इस राजा के शासन में उसके साथ रहे हों। रवि तुम भी वही हो, राजा जगतपाल के अंगरक्षक छत्रपाल। अब तुम सबकी बलि दी जाएगी। कुछ ही देर में बलि देना शुरू किया गया। बाकी के तीन अन्य पर्यटक खुद को नहीं बचा पाए। एक घंटा से तीनों की गर्दन बारी बारी से काट दी गई। अब रवि की बारी थी। इससे पहले रवि की गर्दन काटी जाती उसने कंधे से काटने वाले को धक्का दिया और गंडासे की धार से अपने हाथ खोल गांव वालों से भिड़ गया। किस तरह बचते बचाते किले के बाहर आ गया। इससे पहले कि प्रधान रवि को मार पाता किले से दूसरी चीख सुनाई दी और तड़म की आवाज के साथ बिजली किले पर गिरी और किले का हिस्सा टूटकर प्रधान और बाकी सदस्यों के ऊपर गिर पड़ा। रवि बच तो गया पर आकाशीय बिजली की चमक की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। तो दोस्तों आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।